हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तो आशा करता हूँ आप लोग सभी सही होंगे और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो फाइनली मैं आपके सामने एक सूजी का डी मैक्स लेके आया हूँ, जो कि इसका इवापोरेटर कॉइल लीकेज हो गया है, तो इस वजह से इसका इवापोरेटर कॉइल मैं रिप्लेस करने वाला हूँ। तो उसके लिए मेरे को डैशबोर्ड खोलने की ज़रूरत है। तो डैशबोर्ड कैसे खोला जाता है और किस तरीके से खोलना पड़ेगा ये गाड़ी का डैशबोर्ड, वो सब चीज़ें मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो कभी कभी क्या होता है गाइस कि अपन गाड़ी के अंदर बैठते हैं, जिस गाड़ी का डैशबोर्ड नहीं खोले हैं ना कभी, तो अपने को ऐसा लगता है कि ये गाड़ी का डैशबोर्ड सिस्टम कैसा है नहीं है, तो मालूम नहीं पड़ता है। तो अपन ये हो जाते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाते हैं पहले कौन सा खोलना पड़ता है, कौन सा खोला जाए। तो इस चीज़ों में क्या होता है कि चलो खल्ली वल्ली नहीं खोलने आता है, ऐसा वैसा बहुत सारी बहाने बना देते हैं अपन। तो सबसे यही चीज़ें मैं आपके सामने ला रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि डैशबोर्ड खोलने के लिए सबसे पहले क्या क्या चीज़ें खोलनी पड़ती है अपने को, चाहे कोई भी गाड़ी हो जाए तो किस तरीके से खोला जाता है। तो वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो ये फाइनली सऊदी अरब की कार है, मतलब सऊदी अरब में, इस सऊदी अरब में ये गाड़ी का डैशबोर्ड खोल रहा हूँ। तो फाइनली बैटरी वायर अपना लगा हुआ है, तो बैटरी वायर डिस्कनेक्ट करता हूँ मैं, फिर आगे प्रोसेस में आपको लेके जाता हूँ क्या करना पड़ता है। तो फाइनली अपना बैटरी वायर डिस्कनेक्ट हो गया, तो सबसे पहले अपन एयरबैग निकाल लेते हैं। तो एयरबैग निकालने के लिए आपको एक माइनर स्क्रूड्राइवर लेना पड़ेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे निकालना पड़ेगा। माइनस स्क्रूड्राइवर ले करके, ये देख रहे हैं ये होल है, इसमें डालना है आपको, और अंदर जो है ना एक प्लास्टिक का फाइबर रहेगा, प्लास्टिक रहेगा, उसको दबाएंगे, इसको लेकर के ये बाजू दबाना है अपने को। का एयरबैग जरा कुछ अलग सिस्टम दिया है, मेरे ख्याल से शायद के निकल गया, ये आवाज नहीं आ रहा है। निकला तो नहीं है अभी, अभी निकल गया ये, वो बाद में मैं आपको दिखाऊंगा क्या चीज़ इसको प्रेस करना पड़ता है। अब वैसे इस साइड भी एक होल है, इस साइड भी लॉक दिया है ये वाली लॉक, प्रेस होगा बराबर तो निकल जाएगा। तो फाइनली ऐसे ही मैं प्रेस करके निकालता हूँ, क्योंकि एक हाथ से अपने को जम नहीं रहा है, तो एक प्रेस करके इसको निकाल के फिर दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली मैं इधर का लॉक खोल दिया हूँ, दोनों साइड का लॉक खोल दिया हूँ, ये इसको प्रेस किसको करने का रहता है, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये पट्टी दबती है तो फिर लॉक बराबर निकल जाता है, देख पा रहे हैं, ये माइनस स्क्रूडार से इसको दबाएंगे तो ये दबेगा, लॉक छोड़ देता है, यही वाला लॉक रहता है इसमें, बाकी और दूसरा कोई लॉक रहता नहीं है इसमें। तो चलो मैं इसका सॉकेट दिया है, एक सॉकेट एयरबैग वाली सॉकेट और ये पिन निकालता हूँ। तो फाइनली अपना दोनों सॉकेट निकल चुका, ये रही एयरबैग, इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब रही ये 19 नंबर का बोल्ट खोलने का अपने को, तो ये 19 नंबर बोल्ट खोलता हूँ मैं। तो फाइनली अपना बोल्ट भी खुल गया। तो कभी भी आप अगर स्टीयरिंग का बोल्ट खोलने के बाद स्टीयरिंग को निकालते हैं तो यहाँ कुछ मार्किंग कर दें, ये लाइन और ये लाइन को लगा करके, क्योंकि जब आप फिटिंग करेंगे ना तो आपको ईजी पड़ेगा, बाकी और कुछ नहीं। तो स्टीयरिंग को निकाल देता हूँ मैं, तो ये भी फाइनली निकल चुका। तो ये रही क्लॉक रिंग इसका,
और चलो इसको मैं खोलता हूँ, इसको क्या क्या दिया है। एक स्क्रू यहाँ दिख रही है मेरे को, तो चलो मैं इसको खोलता हूँ। तो नीचे वाला स्क्रू खोल चुका हूँ मैं, अब इसको आपको कटाना है, कटा के निकलेगा। तो ये फाइनली नीचे वाला निकल गया और अपने को सामने दो स्क्रू दिख रही है, तो ये दोनों स्क्रू खोलता हूँ। तो फाइनली अपना दोनों स्क्रू ये भी खुल चुका, अब इसको निकल जाएगा, ये निकल चुका। अब अपन एयरबैग क्लॉक रिंग को निकाल देता हूँ और इसको सेंटर पोजीशन में रख करके जहाँ खोले थे आप स्टीयरिंग, वही लो पोजीशन में खोल के इसको निकाल दें। और इसको बाद में निकालने के बाद कोई धागा वगैरह से बांध दें और इसको होल्ड कर दें। तो चलो मैं इसको निकालता हूँ। इससे पहले गाइस मैं टोयोटा की हाइलेक्स का डैशबोर्ड खोला हूँ, यहीं की गाड़ियों का, तो आप वहाँ जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो चलो फिर मैं सब खोलता हूँ, खोल के फिर ये खोलता हूँ, फिर दिखाता हूँ। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, दोनों सॉकेट खोलने के बाद ये लॉक देख रहे हैं। यहाँ से उठाना पड़ेगा आपको थोड़ा, तो ये फाइनली निकल चुका। पीछे सॉकेट दिया है क्या? हाँ, पीछे एक सॉकेट रहेगा शायद, ये वाली, ये भी निकल चुका। तो अब अपना ये निकल इजीली निकल गया। तो इसको हम टेप वगैरह से या धागा से बांध देते हैं इसको। तो फाइनली मैं एक धागा से बांध दिया हूँ इसको, अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, घूमेगा नहीं जल्दी है। तो चलो इसको होल्ड कर देता हूँ पीछे। अब रही अपना ये खोलना पड़ेगा अपने को, तो एक स्क्रू यहाँ दिख रही है सामने, तो ये स्क्रू खोलता हूँ और इसको निकालता हूँ। इसमें सॉकेट भी है, एक ये, एक ये। कितना कचड़ा दिख रहा है, क्योंकि ये पिकअप गाड़ी है, पिकअप आपको मालूम ही होगा। तो पिकअप गाड़ियों में ज़्यादातर हाईवे पे मट्टी मिट्टी में चलती है, लोडिंग अनलोडिंग होती है, इस वजह से इसमें इतना कचरा वगैरह है। तो चलो स्क्रू खोल के फिर निकालता हूँ मैं इसको। तो ये इधर का स्क्रू खुल गया, अब नीचे दो लॉक दिया है अपना, इसको पुश करेंगे तो ये निकल गया अपना हेडलाइट स्विच। अब अपने को क्या निकालना है, ये वाला मीटर के ऊपर का कवर खोल लेता हूँ मैं। इसमें एक स्विच है, ये निकल चुका। अब अपने को मीटर खोलने का है, तो एक स्क्रू ये, एक स्क्रू ये, दो और एक सामने, तीन स्क्रू है, तो तीनों स्क्रू खोलता हूँ। तो फाइनली तीनों स्क्रू खुल चुका अपना। तो अब ये मीटर, क्लस्टर मीटर बाहर आ जाएगा। देख पा रहे कितना कचड़ा भरा है इसमें, ऐसा लग रहा है गाड़ी कभी खुली नहीं है। तो चलो ये सॉकेट निकालता हूँ मैं, के सामने ही निकाल देता हूँ। एक हाथ से जम नहीं रहा है, फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस आप मेरे चैनल में अगर नए हो ना, तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे ना तो मुझे बेहद खुशी होगी, एक सपोर्ट मिलेगा अपने को। तो एक हाथ से निकल नहीं रहा है, तो मैं इसको निकालता हूँ। तो फाइनली ये भी निकल चुका, अब मीटर को पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब देख पा रहे हैं डैशबोर्ड, एक स्क्रू इधर दिया है, ये किसी ने तो अर्थ लगा के रखा है इधर। तो अब मैं टेप खोल देता हूँ, कंट्रोल पैनल खोल देता हूँ। तो चलो मैं इसको खोलता हूँ। इसको खोलने से पहले अपने को स्क्रू ड्राइवर का सहारा लेकर के इसको निकालना पड़ेगा अपने को। तो बारीक वाला स्क्रू ड्राइवर ले ले और यहाँ पे इसको डालने का ऐसा, और ये निकलता जाएगा, पहले यही वाला निकलेगा।
तो अपना ये निकल चुका फाइनली। तो इसमें देखिए आप, सॉकेट है, केबल की वायरिंग है, केबल है। तो इसको मैं अलग करता हूँ और पहले ये कंट्रोल पैनल का जो बटन जितना सेटअप है ना, इसको अलग कर देता हूँ खोल के, ताकि क्योंकि ये बटन यहाँ से खोलेंगे ना तो काफ़ी टोयोटा और इसुजू की गाड़ी का, टोयोटा की गाड़ियों में जो बटन दिया हुआ रहता है ना, इसुजू की कंपनी में भी वही बटन दिया हुआ रहता है, देख पा रहे हैं। तो ये बटन को मैं यहीं से अलग कर देता हूँ ताकि अपने को काम करने में भी ईजी रहे इसके वजह से। और बड़े इसको खोल देंगे तो काफ़ी टाइम ले लेता है फिटिंग करने में और जल्दी बैठता भी नहीं है। तो चलो मैं ये कंट्रोल पैनल को अलग ही कर देता हूँ, इसका पोर्शन अलग कर देता हूँ, इसको अलग कर देता हूँ। तो इसमें चार स्क्रू रहती है, एक ये तो तीन चार, चार स्क्रू खोलेंगे तो ये अलग हो जाएगा अपना। तो गाइज़ आपको भी ऐसा सिस्टम, अगर बटन वाला सिस्टम दिखे, केबल वाला, ये वाला केबल, तो इसको बटन से ही अलग कर देना, वो ईजी पड़ता है अपने को। तो इसको अंदर डाल देता हूँ मैं, अब उसके बाद अपना खुलेगा टेप। तो ये भी फाइनली खुल गया, इसमें एक और इंडिकेटर की सॉकेट रहेगी। अब इसमें टेप में स्क्रू दिया है, देख पा रहे हैं, दो इधर है, दो इधर है। तो ये टेप स्क्रू खोलने के, खोलने से पहले मेरे को ये वाला वेंट खोलना पड़ेगा, ये वाला वेंट खोलना पड़ेगा। इसमें एक स्क्रू इधर है, एक स्क्रू इधर है, तो ये दोनों खोलता हूँ मैं। तो फाइनली दोनों स्क्रू इसका खोल दिया हूँ, अब मेरे को इसको निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए माइनस स्क्रू ड्रावर का सहारा लेना पड़ेगा अपने को। इधर डाल दें इसको, लॉक जिधर है जो पोर्शन में, लोग बहुत तो फाइनली ये निकल चुका, ये वाला वेंट। अब सेम इस तरीके से भी इधर का निकालना है आपको। ये भी निकल चुका, अब अपने को ये चार स्क्रू खोलना है टेप का। तो चारों स्क्रू खोलता हूँ मैं, तो चारों स्क्रू खुल गया। तो चलो इसको निकालता हूँ मैं, और ये सॉकेट रही, सॉकेट निकालता हूँ मैं। तो फाइनली अपना टेप भी, सब सॉकेट खुल गया, निकाल दिया हूँ सब सॉकेट, ये भी निकल चुका। अब अपने को निकालना है ये ऊपर का पैनल, खोल देंगे, ये दो स्क्रू दिया है, क्योंकि इसके अंदर हो सकता है स्क्रू वगैरह दिया हो, कुछ भी दिया हो सकता है, 10 नंबर वगैरह। तो चलो इसको मैं खोलता हूँ फिर। तो फाइनली ये दोनों स्क्रू खोल गया, अब इसको ऊपर खींचेंगे, ये निकल गया। तो देखने कुछ तो दिया नहीं है, लेकिन एक तसल्ली के लिए खोल लिए ताकि बाद में अपने को लफड़ा ना करे। तो अब अपने को क्या क्या खोलना पड़ रहा है वो सब चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये तो खींच के निकल जाएगा पूरा इसका सेटअप, देख पा रहे, पूरा निकल गया। अब केबल में दो स्क्रू रहेगा, ये देख रहे हैं, दो स्क्रू इसमें, दो स्क्रू, तो दोनों चारों स्क्रू खोलता हूँ फिर मैं, खोल के ये सब सॉकेट निकालता हूँ। तो फाइनली ये तीनों चारों सॉकेट निकाला, ये दोनों बोन, एक बोनेट का और एक फ्यूल का, दोनों निकाल दिया हूँ, एक OBD सॉकेट, उसके बाद ये निकल गया अपना। तो इसको पीछे होल्ड कर, अब चलो अपने को क्या खोलना है, ये स्क्रू खोलना है, उसके बाद इसको खींचेंगे, बाहर आ जाएगा शायद। स्क्रू दिया तो नहीं है, हाँ एक क्लिप यहाँ दिया है और एक क्लिप इस साइड दिया रहेगा,
ये दोनों क्लिप खोलता हूँ मैं। तो फाइनली दोनों साइड का लॉक क्लिप निकाल दिया हूँ। अब इसको आगे साइड खींचूँगा तो ये निकल जाएगा। तो खींचूँगा नहीं इसको, माइनस स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसका लॉक निकालूँगा मैं। गाड़ी काफ़ी कचरा गाड़ी है बोले तो, धूल मट्टी का भी बैठा हुआ है। पहली फर्स्ट टाइम खुल रहा है ये, इसकी वजह से इतना मट्टी वगैरह बैठा है। तो इसमें दो तीन सॉकेट रहेगी, सॉरी दो सॉकेट है, ये रही एक एक लाइटर का और एक फोर व्हील ड्राइव का। तो चलो ये दोनों निकालता हूँ मैं। तो फाइनली सॉकेट वगैरह निकल गया, इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब अपना बचा इस साइड आ जाते हैं अपन, इस साइड इसको निकाल दें, रहने दे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये गैस्केट रबर निकाल दें, यहाँ से तो कुछ दिया हुआ है नहीं इधर अंदर, ऊपर इसको खोल दें, नहीं है कुछ, लॉक कर दिया इसको मैं। अभी इसका ये वाला पैनल का, तो ये दोनों लॉक दिया है, लॉक निकाल लेता हूँ मैं इसका। ये रही, ये रही, तो दोनों स्क्रू दिया है, दोनों स्क्रू खोलता हूँ मैं। तो जैसे दोनों स्क्रू खोलेंगे तो ये हैंडल यहाँ का निकल जाएगा। उसके बाद इसको जगह बना करके इसको अपनी साइड खींच ले, ये निकल गया। अब इधर देख ले कुछ है तो नहीं, कुछ भी नहीं दिया हुआ इधर, बस स्क्रू है एक फ्यूज बॉक्स में और एक ये वाला स्क्रू। तो ये दोनों स्क्रू खोलना पड़ेगा मेरे को। उसके बाद एक ये स्क्रू, उसके बाद इधर आ जाइए आप, इधर एक स्क्रू यहाँ है, एक स्क्रू इधर भी होगा, इधर है। उसके बाद ये तो इसके साथ ही आएगा, तो इस साइड का मेरा लगभग ये खोल करके ये सब खुल जाएगा। फिर मैं उस साइड जाके दिखाता हूँ क्या क्या खोलना पड़ रहा है। तो उसके बाद सब खोल दिया मैं इधर का, इधर से तो डैशबोर्ड हिल रहा है बट लेकिन आगे से नहीं हिल रहा है। आगे से क्यों नहीं हिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक 10 नंबर दिया रहेगा या फिर 8 नंबर कुछ तो कुछ दिया रहेगा। एक माइनस स्क्रू डाल दे लें, तो देख पा रहे ये 10 नंबर दिया हुआ है। तो चलो ये 10 नंबर मैं खोलता हूँ, तो यहाँ का फाइनल खोल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ आ जाइए, यहाँ पर दिया है एक 10 नंबर, तो चलो इसको भी मैं खोलता हूँ। तो गाइस फाइनली ये भी खोल दिया, अब इस साइड का मेरा पूरा खुल चुका है, डैशबोर्ड हिल रही है। तो चलो फिर मैं उस साइड जाता हूँ और दिखाता हूँ क्या क्या खोलना पड़ रहा है अपने को। तो चलो उस साइड चलते हैं। तो फाइनली इस साइड आ गया हूँ, तो सबसे पहले अपने को ग्लो बॉक्स खोलना है। ग्लो बॉक्स खोल दिया और आप देख पा रहे हैं एक स्क्रू इधर और एक स्क्रू यहाँ रहेगा, एक स्क्रू यहाँ रहेगा, एक स्क्रू यहाँ, टोटल 4 स्क्रू रहेगा। तो चारों स्क्रू खोलता हूँ मैं, खोल के ये बाहर निकालता हूँ। तो चारों स्क्रू खोलने के बाद इसको आपको खींचना रहेगा। तो ये फाइनली निकल चुका, इसको पीछे में होल्ड कर दिया। अब आप देख पा रहे हैं एक स्क्रू यहाँ दिया है और अपना एयरबैग खोलना रहेगा। तो एयरबैग खोलने के लिए इसको खोलना ज़रूरी है अपने को, इसको भी खींचेंगे। ये स्क्रू किसी ने रखा है, इसमें एक स्क्रू यहाँ दिया रहेगा, एक यहाँ रहेगा इसके अंदर, दिखा देता हूँ आपको। छोटा सा स्क्रू दिया है यहाँ, ये स्क्रू, तो ये स्क्रू खोल के फिर इसको आगे खींचना पड़ेगा मेरे को। तो चलो फिर मैं खोलता हूँ स्क्रू, फिर आगे खींचता हूँ इसको।
तो फाइनली एक ही स्क्रू खोलना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि ये खोलना नहीं रहेगा, ये निकालेंगे तभी खोलना रहेगा ये, क्योंकि मेरा एयरबैग का जो दो बोल्ट दिया है 10 नंबर है या कुछ 12 नंबर है, तो ये खोलना पड़ेगा मेरे को। तो इस वजह से ये खोलेंगे तो एयरबैग का सेटअप पूरा निकल जाएगा। तो चलो फिर मैं इस साइड का पैनल भी खोल लेता हूँ, इस साइड का ये वाला पैनल खोलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली ये दोनों भी खुल गया स्क्रू, और ये हैंडल भी निकल चुका है, इसको खींचने का ऐसा, ये भी निकल चुका। अब अपने को इधर का तो सब खुल चुका, अब ये डैशबोर्ड आ रहा है पीछे आगे। अब एक चीज निकालना बाकी है अपना, ये 12 नंबर दिख रहा है एयरबैग का और एयरबैग सॉकेट। तो चलो ये दोनों मैं खोलता हूँ। तो फाइनली इधर का बोल्ट दोनों नीचे का खोल लिया हूँ एयरबैग का, अब मेरे को यहाँ वाला खोलना पड़ेगा। ये 10 नंबर खोलता हूँ मैं, तो अब फाइनली वो खुल गया 10 नंबर, डैशबोर्ड पूरी तरीके से हील्ड है। अब ये बाहर आ जाएगा, तो कुछ वायरिंग है नीचे, जो ये वाला वायरिंग का क्लिप निकालना पड़ेगा, ये वाला वायरिंग को अलग करना पड़ेगा, और ये सॉकेट खोलना पड़ेगा। चलो ये सॉकेट खोलता हूँ मैं फाइनली। तो ये सॉकेट खोल के ये सब वायरिंग का क्लिप निकाल के डैशबोर्ड बाहर लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ मैं। तो फाइनली अपना डैशबोर्ड निकल गया, अब मैं एंगल निकालूंगा तो गाड़ी भी देख लीजिए। डैशबोर्ड इधर रखा हूँ, ऊपर रखा हूँ, और गाड़ी भी देख लीजिए गाड़ी किस तरीके से है, ये पिकअप गाड़ी है। तो चलो फिर मैं अब एंगल खोलने के लिए मेरे को क्या क्या खोलना पड़ रहा है वो सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो खोलना पड़ेगा। तो चलो फिर फाइनली मैं एंगल का प्रोसेस में लेके जा रहा हूँ आपको। तो मैं करता क्या हूँ, इसका ये जो वायरिंग दिख रही ना, ये वायरिंग को अलग कर देता हूँ एंगल से, तो एंगल खोलना मेरा इजी रहेगा। तो सबसे पहले ये वायरिंग की जितनी सारी भी क्लिप है ना, ये वायरिंग की जितनी सारी भी क्लिप है वो सब निकाल के मैं वायरिंग को इधर पलटी ले लेता हूँ, और इधर की वायरिंग यहाँ से तो खुल जाएगी, उधर चला जाएगा। ये सॉकेट दिया है बस, सिर्फ सॉरी सॉकेट तो नहीं है, वहाँ से खोल लेंगे इसको, वहाँ से सब वायर इधर ले लेंगे, एक बाजू ले लेंगे ताकि काम करने के लिए अपने को ईजी रहे, एंगल निकालने में ईजी रहेगा। तो पहले मैं एंगल निकालूंगा इसका, तो उससे पहले वायरिंग निकालनी पड़ेगी मेरे को, तो मेरे को ऐसा ही ईजी लग रहा है। और एंगल के साथ भी वायरिंग आएगा लेकिन बहुत मेरे को उधर ईजी नहीं लग रहा है, तो आपको बहरहाल जिधर ईजी लगे वो खोल लेना। तो मैं वायरिंग पहले इसको अलग करता हूँ, सब क्लिप निकाल करके सब वायरिंग, वो वाली सॉकेट वाइट वाली जो दिख रही है वो खोल के इधर लेता हूँ। तो चलो फिर मैं खोलता हूँ। तो गाइज मैं यहाँ की वायरिंग ये एंगल से अलग नहीं करता हूँ, एंगल के साथ ही वायरिंग निकाल देता हूँ, क्योंकि मेरे को ज़्यादा सॉकेट खोलने की ज़रूरत नहीं है, इधर से अपना खुल जाएगा। ये 4 सॉकेट निकाला हूँ, और ये फ्यूज बॉक्स में से जो एंगल में वायरिंग लगी है मैं इसको खोल के ये वायरिंग, एंगल वाला वायरिंग यहाँ से निकाल देता हूँ। 2 सॉकेट रहेगी इधर, ये वाली और एक छोटी वाली ये वाली, उसके बाद अपना निकल जाएगा ये, और ये एयरबैग वाली भी रहेगी तो ये भी निकाल देता हूँ। तो फाइनली अपना देख रहे हैं ये सॉकेट में फ्यूज बॉक्स में से अलग कर दिया हूँ, इतनी सारी सॉकेट हैं ये अलग कर दिया हूँ फ्यूज बॉक्स, इधर थी अंदर भी सॉकेट थी जो कि सब सॉकेट है, तो इसको अलग कर दिया हूँ क्योंकि अपना ये एंगल के साथ पूरा फिट है वायर। उसके बाद अपने को एयरबैग मॉड्यूल का, एयरबैग का सब वायरिंग निकालना पड़ा एयर ही अंदर का। उसके बाद ये वायरिंग के तरफ आ जाइए आप, तो अपने को ये वाला भी सॉकेट क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट में जो है वो निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये केबल तो रहेगा ही इधर, बाद
एक अर्थिंग ये है, एक अर्थिंग ये है, उसके बाद ये रही ब्लोअर का, उसके बाद उस साइड चलते हैं अपन। इस साइड से ये वाला, से जम नहीं रहा, मैंने स्क्रूड्राइवर का सहारा लेना ही पड़ेगा मेरे को। यहाँ इसको डायरेक्ट यहाँ से ही खोल के निकालना पड़ेगा, इसको अलग करना पड़ेगा इधर। तो इस सॉकेट को निकालता हूँ मैं। तो फाइनली ये निकल गया, ये रही क्लिप, क्लिप को खींचने का ऐसे निकल गया। अब रही ब्लोअर का सॉकेट, तो ब्लोअर का सॉकेट भी निकल चुका अपना। अब इधर रेजिस्टेंस का, ये भी एंगल के साथ आएगा। बाकी अपने को इस साइड वायरिंग में से कुछ खोलना नहीं पड़ेगा। अब फाइनली सब खुल चुका अपना। तो अब अपने को 12 नंबर ये और स्टीयरिंग कॉलम को नीचे ले लेता हूँ खोल के, और सॉरी ये वाला सॉकेट निकालना पड़ेगा। इसको नीचे ले लेने का है, ये सॉकेट अगर निकालने की ज़रूरत पड़े यहाँ की क्लच वाली तो निकाल दें। नहीं तो छोड़ दो इसको ऐसे करके निकाल लेने का। और माइनस इसको डॉट से ये दोनों क्लिप निकाल देने का। तो ये क्लिप भी निकाल दिया और इधर वाला क्लिप भी निकाल दिया, और इसको नीचे होल्ड कर देता हूँ मैं। उसके बाद एक ये सॉकेट रही। तो फाइनली सॉकेट भी निकल चुका अपना, और ये चारों 12 नंबर का बोल्ट खोल चुका हूँ। तो इसको नीचे होल्ड कर देता हूँ, ये वायर अड़चन कर रहा है कोई नहीं। चलो ठीक है, हो गया अपना ये। तो अब ये 12 नंबर दो, ये 10 नंबर, ये 10 नंबर। फाइनली एंगल का सब बोल्ट खोलता हूँ। तो फाइनली इधर का सब खोल लिया हूँ मैं, स्टीयरिंग नीचे ले लिया हूँ, इधर का 10 नंबर, यहाँ का 10 नंबर, उसके बाद ये 10 नंबर खोलना बाकी है अभी, इसको भी खोल लेता हूँ मैं। बाकी सब अपना तो खुल चुका है, इधर का 10 नंबर खुल चुका है। भी फाइनली खुल चुका। तो एंगल को निकालने के लिए बाहर से तो कुछ खोलना नहीं पड़ेगा, ये हिल रहा है। तो बाकी उस साइड का दिखाता हूँ मैं क्या क्या खोलना पड़ रहा है मेरे को। तो चलो उस साइड चलते हैं। तो इस साइड से अपने को ये 12 नंबर, ये 12 नंबर दो, ये 10 नंबर, ये 10 नंबर दो, उसके बाद और तो कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को। ये ECM को अलग कर दूंगा एंगल से, ये दोनों 10 नंबर खोल के। तो चलो फिर ये सब खोलता हूँ मैं। तो फाइनली 12 नंबर सब खुल गया, और ECM को जो है मैं ऊपर से ये दोनों 10 नंबर खोल लिया हूँ, और इसको नीचे ले लिया हूँ, उसके बाद ये दोनों 10 नंबर खोल लिया हूँ, और ये केबल निकाल दिया हूँ। ये केबल निकाल के उस साइड ले लेंगे इसको अपन, ये केबल निकलने वाला रहता है, बट ये वाला बटन वाला जो केबल है वो निकालने में निकालेंगे तो कुछ काफ़ी दिक्कत होती है। तो चलो अब अपना एंगल निकल जाएगा, पर निकल चुका। तो चलो इसको मैं बाहर लेता हूँ, बाहर लेकर। तो गाइस फाइनली एंगल निकाल दिया हूँ, और आप इसका एंगल जो है क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट के साथ भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ भी निकल जाता है। तो मैं इसको छुट्टा अलग अलग करके खोला हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए।
एंगल के साथ भी क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट को निकालना चाहे तो निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो अब मेरे को इसका जो है अंदर से सब तो खुल चुका है, देख पा रहे हैं एक बोल्ट नीचे रहेगा शायद के, हाँ एक बोल्ट यहाँ दिया है, बाकी ये ECM को मेरे को अलग करना पड़ेगा। बाकी मेरा निकल गया अंदर से सब कुछ, बाहर से ही खोलना पड़ेगा मेरे को, बाहर से हीटर का पाइप और एक्सपेंशन वाल्व। तो चलो मैं बाहर चलता हूँ, बाहर चल के वो सब चीज़ें खोल देता हूँ। तो चलो बाहर चलते हैं, दिखा देता हूँ क्या क्या खोला गया बाहर। ये रही हीटर वाला और ये रही एक्सपेंशन वाल्व के पास का जॉइंट। तो इंजन भी देख लीजिए आप कैसा दिख रहा है, इंजन देख लीजिए आप। तो चलो फिर अंदर चलते हैं। तो फाइनली मेरा बाहर से भी खुल गया, अंदर से तो खुला ही पड़ा था। यहाँ का नीचे का भी बोल्ट खोल दिया हूँ, अब ये मेरा क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट बाहर आ जाएगा। तो चलो इसको मैं बाहर लेता हूँ, बाहर लेता हूँ। वो ECM को मेरे को अलग करना पड़ेगा, एक 10 नंबर का दिया रहेगा, वो अलग करके इसको मैं बाहर लेता हूँ फिर। तो फाइनली ECM को अलग करके इधर ही रख देता हूँ, तो इसको निकाल देता हूँ। तो चलो बाहर लेता हूँ। तो फाइनली मैं बाहर ले लिया हूँ, ये रही अपना क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट। तो इसका इवापोरेटर कॉइल, ये है, ये स्क्रू खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे को ये ब्लोअर मोटर को अलग करना पड़ेगा, फिर ये खुलेगा। तो चलो फिर मैं इसको खोलने लग जाता हूँ। तो ब्लोअर मोटर अलग कर दिया हूँ, अब मेरे को ये ऊपर का खोलना है। तो एक स्क्रू ये, दो तीन, एक चार, एक क्लिप है, पाँच, एक छः, एक सात, एक आठ, एक नौ, एक दस, ग्यारह, टोटल 11 है इसमें। तो चलो फिर मैं ये 11 खोलता हूँ। तो फाइनली सब स्क्रू खोल चुका हूँ, सब जितना भी दिखाया मैंने आपको सब खोल लिया हूँ। तो अब इजीली ये निकल जाएगा। तो ये निकल चुका अपना, ये रही इसका इवापोरेटर कॉइल। तो चलो इसको मैं नया वाला डालता हूँ इसमें। तो फाइनली ये रही न्यू इवापोरेटर कॉइल, एक्सपेंशन वाल्व साथ में दिया है इसके, देख रहे हैं ये सुजू। और इसमें प्राइस लिखा हुआ नहीं रहता, नहीं तो प्राइस भी बता देता हूँ मैं, और यहाँ की प्राइस का मेरे को आइडिया नहीं है, ये देख लीजिए। तो चलो फिर इसको बॉडी में फिटिंग करता हूँ फिर। तो फाइनली फिट हो गया, नया इवापोरेटर कॉइल फिट कर दिया। तो चलो फिर इसको मैं अब गाड़ी में फिट करता हूँ। तो फाइनली क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट बैठ चुका, तो चलो अब एंगल बैठाता हूँ मैं इसमें। तो फाइनली एंगल भी डाल दिया, देख पा रहे हैंडल भी एंगल भी डाल चुका हूँ। तो चलो अब इधर जो जो सॉकेट जहाँ जहाँ का था वो सॉकेट वहाँ लेता हूँ मैं। तो फाइनली प्रॉपर तरीके से सॉकेट वगैरह सब बैठ चुका है, देख पा रहे हैं सब सॉकेट, फ्यूज बॉक्स का जो भी खोला गया था नीचे का सब फिट हो चुका, प्रॉपर तरीके से जैसे खोला था वैसे ही फिट हो चुका है, देख लीजिए आप। ECM वगैरह को ये किया था सब प्रॉपर तरीके से, ब्लोअर वगैरह की रजिस्टर की सॉकेट जो भी खोला गया था सब फिट हो गया, कंट्रोल पैनल का भी सॉकेट देख लीजिए सब लग चुका। अब मेरे को डैशबोर्ड डालने का। तो गाइज अब यहाँ ना एंगल के साथ भी क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट निकाल सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल सकते हैं। मैं इसके वजह से निकाला अलग करके क्योंकि मेरे को इजी पड़ा, बाकी बाज़ कई लोग इसको इसके साथ भी खोलते हैं और कई लोग इसको अलग करके भी खोलते हैं, क्योंकि जिसको जैसा इजी रहता है वैसे ही खोलते हैं। तो चलो फिर मैं इसके ऊपर डैशबोर्ड डाल देता हूँ। तो फाइनली डैशबोर्ड भी अपने डल चुके,
देख पा रहे हैं। तो चलो फिर मैं इसको फाइनल फिट, फाइनल बोले तो ये सब सेटअप फिट करता हूँ, फिट करता हूँ। चलो तो फाइनली अपना कंट्रोल पैनल, टेप वगैरह, मीटर सब बैठ चुका है। तो चलो फिर मैं ग्लो बॉक्स वगैरह का पूरा सेटअप लगाता हूँ, यहाँ का कवर, हेडलाइट स्विच, क्लॉक स्प्रिंग, स्टेयरिंग और सब लगा के फाइनल वगैरह करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ 4WD का स्विच है, ये भी लगा के फिटिंग करके फिर दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली अपना बाहर भी सब फिट हो गया, देख पा रहे हैं। और मैं इसमें प्रेशर वगैरह मार के रखूँ। तो चलो फिर मैं अंदर गाड़ी चालू वगैरह करके कूलिंग टेम्परेचर वगैरह दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली देख पा रहे हैं गाड़ी प्रॉपर तरीके से सब कुछ फिट हो चुका है, देख पा रहे हैं सब फिट हो चुका। तो चलो मैं बैटरी वायर कनेक्शन गैस चार्ज वगैरह फिल कर ली हूँ, गाड़ी चालू कर रहा हूँ। गाड़ी चालू भी हो चुकी है और एसी अपना चालू है, देख पा रहे हैं। तो कूलिंग भी बराबर हो रही है। तो गाइज वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो जो मैं बनाया ये वीडियो तो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरा रीज़न ये है कि आप बाहर कंट्री की गाड़ियों को देखें और किस तरीके से रहता है, मॉडिफाई किया हुआ और किस तरीके से बना हुआ रहता है। बाकी अपना गाड़ी तो सब में सेम मिलता जुलता ही है, बस थोड़ा डिफ़िकल्ट कर देता है या फिर कोई ईजी कर देता है, बस यही है और कुछ नहीं है। और मैं यहाँ इलेक्ट्रिकल का वीडियो तो बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिकल का वीडियो के लिए कम से कम टाइम चाहिए और प्लस इलेक्ट्रिकल का वीडियो छोटा मोटा वीडियो रहता है तो बना नहीं पाता हूँ मैं अभी। इंशाल्लाह इलेक्ट्रिकल का भी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो चलो फिर फाइनली देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से तो फिट हो गया। और वीडियो कैसा लग रहा है ना आप कॉमेंट करके लाइक सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन बट एक कॉमेंट करके ज़रूर जाना कि वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो में कुछ समझ में आया क्या नहीं आया। प्लीज़ ये आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर ये बताएं कि वीडियो अच्छी है या ख़राब है। ख़राब है तो ख़राब कमेंट कीजिए, अच्छा है तो अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा कमेंट करके भेजिए। तो चलो फिर जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन।